चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स फॉर स्लाइम मोल्ड। अगर हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स जो है वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं वो? सेप्रोफाइटिक होते हैं। क्लियर यहां पर? तो क्या होते हैं वो? सेप्रोफाइटिक। तो हमें बात करनी है यहां पर करेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन में पैरासाइटिक है, सेप्रोट्रोफिक है, सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, सेप्रोफाइटिक है। तो यहां पर पैरासाइटिक नहीं होगा, ये पैरासाइटिक नहीं होगा। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक। कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक। और ये क्या बनाते हैं? प्लास्मोडियम। क्या बनाते हैं? प्लास्मोडियम। क्लियर यहां पर? इनके जो एग्रीगेशन सुटेबल कंडीशन में ये क्या बनाते हैं? प्लास्मोडियम। और इस प्लास्मोडियम के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। क्या देखने को मिलती है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और इस प्लास्मोडियम की अगर हम बात करें तो इस प्लास्मोडियम में वॉल नहीं होती है, वॉल लेस होते हैं ये। ये जो प्लास्मोडियम होते हैं, इन प्लास्मोडियम की अगर हम बात करें तो ये वॉल लेस है, वॉल लेस है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आने पर यहां पर क्या होता है? इसमें फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन होता है। क्या होता है यहां पर? फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। यहां बन जाते हैं ये स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया, ये यहां पर बन गए स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या डेवलप होते हैं? स्पोर। क्या डेवलप होते हैं? स्पोर। यहां पर ये डेवलप होते हैं स्पोर। तो ये जो स्पोर है यहां पर, इन स्पोर के पास क्या होती है? ट्रू वॉल। इन स्पोर के पास क्या होती है? ट्रू वॉल। इन स्पोर के पास क्या होती है? ट्रू वॉल। तो यहां पर हम बात करें, ये स्पोर जो है इनके पास क्या है? ट्रू वॉल। और जो ये वॉल है, ये वॉल किससे बनी है? ट्रू क्यों बोला? क्योंकि ये बनी हुई किससे? सेल्यूलोज से। तो सेल्यूलोजिक वॉल है यहां पर, सेल्यूलोजिक वॉल है यहां पर। और जो स्पोर का डिस्पर्सर होता है, यहां पर क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहां पर? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इन्हें हम बोलते हैं कैपिटिलम। क्या बोलते हैं इन्हें हम? कैपिटिलम। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इन डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं। और ये डिस्पर्जन जो होगा यहां पर स्पोर का, वो कैसा? कहां पर होगा? एयर में। कहां पर होगा? एयर में। इनका डिस्पर्जन कहां पर होगा? एयर करंट में। अगर हम बात करें यहां पर करेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक। कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक नहीं होते हैं। और प्लास्मोडियम के पास, विद प्लास्मोडियम के पास क्या वॉल होती है? क्या प्लास्मोडियम के पास वॉल नहीं होती है? तो यहां पर ये हो गया प्लास्मोडियम विदाउट वॉल। और यहां लिखा हुआ है प्लास्मोडियम विदाउट वॉल, दोनों सही है। यहां पर ये भी सही है, ये भी सही है। अब आगे आते हैं, स्पोर जो है, स्पोर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, स्पोर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। तो अभी हमने बात करी यहां पर स्पोर का जो डिस्पर्जन है वो कहां पर होता है? एयर करंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का डी। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? डी।